नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे हम फेसबुक पर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक बना सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी यूज़र अपनी जो वेबसाइट होती है उसका यूआरएल यहां पर डाल देता है, तो इसका इसे बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो उसके लिए कुछ हमने चीज़ें निकाली हैं जिससे आप वहाँ पर यूआरएल डालेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो जो एरिए होते हैं वो क्रॉल होते हैं बाकायदा गूगल की तरफ से, और वहाँ पर लिंक को काउंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आपको बताते हैं वो बेनिफिट वाली लिंक जहाँ आप बेनिफिट वाली जगह जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिंक को डाल सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक बना सकते हैं फेसबुक पर। ठीक है दोस्तों, पहला है मैं आपको बताऊं, जब सबसे पहले मैं लेता हूं वेबसाइट को, यहां पर कॉपी करता हूं एंड यहां ब्लॉक का ले लिया मैंने। आपको जाना है प्रोफाइल में, आपने यहां पर लिंक तो डाला ही डाला होगा बेसिक कंप्यूटर, यहां पर देखिए वेबसाइट का। दोस्तों आप यहां भी डालिए, रीज़न क्या है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जब भी आप फेसबुक पर आप डालोगे सर्च बार में तो देखना आप प्रोफाइल का हेडर सेक्शन क्रॉल होता है। पर्टिकुलर जब मैं किसी पर्सन का नाम डालूंगा यहाँ पर गूगल पे, तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर प्रोफाइल का नेम पहले ऊपर आएगा। अब जब भी प्रोफाइल का ऊपर नेम आ रहा है तो प्रोफाइल से रिलेटेड जो उसके जो पार्ट होंगे वो ज़रूर क्रॉल हो रहे होंगे, और वहाँ पर आपकी वेबसाइट अनिवार्य रूप से क्रॉल हो रही होगी उसके साथ, और आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छी बैकलिंक मिल रही होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ वेबसाइट एंड पेस्ट, ठीक है, सॉरी एंड यहाँ यूआरएल लेना है मुझे, यहाँ पर मुझे www लगाना है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर www लगेगा, ठीक है www. ठीक है, विदाउट www पे आप नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ www लगानी होगा। एंड यहाँ पर मुझे लगता है इसको शायद कुछ पॉइंट ले नहीं रहा वो, मैं फिर भी चेक करता हूँ। www.basickompyuterhindi.com, सॉरी यहाँ पर मुझे एक लिंक को हटाना होगा यहाँ से, मैं प्रोफाइल का लिंक हटा देता हूँ, लिंक नहीं डला है, ठीक है, यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें कैरेक्टर मिनिमम डाल सकती हूँ क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होती है। एंड यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ एंड स्किप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर वेबसाइट पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हेडर सेक्शन हमेशा देखना क्रॉल होता है, हाँ, तो आप जब भी कोई प्रोफाइल किसी की यहाँ पर किसी के चेक करते हो तो आपको यहाँ पर उसका नेम आती है, लिस्ट आती है, तो आपका ये भी काउंट किया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दूं, सेकंड पार्ट है ग्रुप भी आप देखेंगे पर्टिकुलर जब सर्च करेंगे तो ग्रुप के मेंबर जो काफ़ी होते हैं तो वहाँ पर यूआरएल का वेबसाइट डेवलप को यूआरएल नहीं डाल पाते बहुत से, क्योंकि उसमें प्लेस नहीं होती। दोस्तों आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, चलिए मैं ग्रुप पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है, आप सीधे जा सकते हो यहाँ पर अबाउट सेक्शन में, ठीक है, अबाउट सेक्शन में क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पर सेटिंग, ठीक है सेटिंग है, यहाँ पर नेम है डिस्क्रिप्शन,
यहाँ पर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में भी अपना यूआरएल डाल सकते हैं। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपका यूआरएल तो ये भी क्रॉल होगा, यहाँ पे भी स्ट्रांग होगा ये भी यूआरएल, क्योंकि तीन जगह यूआरएल तो कहीं ना कहीं आपका फेसबुक क्रॉल करेगा। दूसरी बात दोस्तों, ग्रुप के मेंबर यदि लाखों में है तो यहाँ पर आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी लिंक भी देखेंगे और ज़रूर उस पर क्लिक करेंगे, जिस पर आपको 1,000 से 3,000 तक का मंथली वैसे ही ट्रैफिक आ सकता है पर डे का, अगर आप पास लाखों के मेंबर हैं तो। इस तरह के बेनिफिट हैं, इस तरह से आपको लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक ही विजिटर ही बहुत काम का होता है, तो हर एक विजिटर मैंने मेरे हिसाब से, तो आप ये मानिए ठीक है। तो इस तरह से आप लिंक को लिंक डाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बैकलिंक बना सकते हैं फेसबुक पर। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।